हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस YouTube चैनल में। और हम बात करने वाले हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट को लेकर के। तो आइए इसके एक एक पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अजलान शाह कप 2020 का आयोजन होने वाला है 29वां संस्करण कहां पर, तो मलेशिया के इपोह में, जिसका डेट का अनाउंसमेंट किया गया था 11 से 18 अप्रैल 2020 तक चलेंगे। लेकिन इसके डेट में अब बदलाव कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि अजलान शाह कप 2020 का आयोजन जो होने वाला है अब 24 सितंबर से 3 अक्टूबर 2020 तक किया जाने वाला है। वजह की बात की जाए कि किस वजह से डेट को बढ़ा दिया गया है, तो कोरोना वायरस के चलते इसका डेट में बदलाव कर दिया गया है। यदि हम बात करें भारतीय टीम को लेकर के, तो इस टूर्नामेंट में हमेशा से हिस्सा लेते आ रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से भारत इस वर्ष इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है। यदि और भी कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहें अजलान शाह कप को लेकर के, जैसा कि आप जानते हैं कि पुरुषों का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है, और इस साल टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मलेशिया, और मलेशिया जो है मेजबान कंट्री है, और हर साल मलेशिया में ही होता है। पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया भाग ले रहे हैं वर्ष 2020 का अजलान शाह कप टूर्नामेंट में। यदि हम बात करें, यहाँ पर बात करेंगे कि इसका शुभारंभ 1983 में किया गया था। उस वक्त द्विवार्षिक था, यानी कि दो वर्षों पर इसका आयोजन किया जाता था अजलान शाह कप टूर्नामेंट का। लेकिन जैसे ही 1998 आया तो ये वार्षिक कर दिया गया। वर्ष 2007 से ही बात की जाए तो अजलान शाह स्टेडियम जो इपोह मलेशिया में है, इसका आयोजन होते आ रहा है। कहने का मतलब है कि 2007 से ही अजलान शाह स्टेडियम इपोह मलेशिया में होते आ रहा है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे विनर को लेकर के कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा यानी कि नंबर वन पर है ऑस्ट्रेलिया, जो कि 10 बार ये विजेता है। दूसरे नंबर पर है इंडिया, जो कि 4 बार का विजेता है। और तीसरे नंबर यानी कि 3 बार का विजेता है टीम कौन सा, तो पाकिस्तान। यदि हम बात करें कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, तो ये रहे मनप्रीत सिंह। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।